और मैं बहुत सारे बताने की जरूरत नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक गांव से हूँ, मेरे गांव का नाम अस्सी रूपाणीपुर, जिनके हम कश्मीर में अल्फाज हैं कि साथ साथ चलो, साथ साथ डूबो, साथ साथ चलो। ठगाबाग में जहाँ डेयरी फार्म है, कार नहीं निकलती थी, किनेपी की हुकूमत थी, मैं नाम नहीं बता दूंगा, पार्टी को ले सब लोगों को मेरे साथ होते थे। छाताबाल में 408 खत्म किया हमारे तारिक साहब निसार साहब, आप बहन भी यहाँ पर आने आई है, शबनम जी हो, तीसरा बंदा है हमारे बना के नबी ने है, बराबरी का हक दिया है, तो हमारी पार्टी का लक्ष्य कश्मीर आवाम खत्म करो, ये मेरी पार्टी छो, सारे पार्टी जो सारे पीछे साथ काम कर रहा है, मैं उधर तक पी डी पी वन बहुत बहुत दिमो सड़क रो सड़क रो दिमो कत वो बीजेपी वन पी डी पी वन दिमो हम कत द था, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी मैं नौकरी पूरी करता उसे बात किया कि नहीं हुई। 5 अगस्त 2000 को इन्होंने 370 को हटाया, मैंने कल भी बताया था कि ये इलीगल है, इलीगल है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज तक पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब तक स्टेट की पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर ये डिसाइड नहीं करते हैं कि 370 रहेगा नहीं रहेगा, 35 ये रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ की असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली को तय करना था, वो तय करती कि वेदर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335 में विल सर्वाइव हेयर, विल रिमेन हेयर और नॉट। लेकिन जो मरकजी हुकूमत ने, बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मनमानी करके यहाँ के लोगों को परेशान करके ये सारा किया है, ये इलीगल है, और इंशाल्लाह हम इसको जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी फाइट करेंगे। 2024 में पार्लियामानी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई सालों से यहाँ असेंबली इलेक्शंस नहीं हो रहे जी जी, कहा जा रहा है कि मरकजी सरकार नहीं चाहती अभी इलेक्शंस हो, हालात का हवाला दिया जा रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि हालात बेहतर है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो हालात है वो नहीं है, साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए, बीजेपी का ऐसा कहना है, क्या कुछ कहेंगे इस बात पर? देखिए हालात तो इन्होंने ख़राब किए हो जानबूझ के, कश्मीरी आवाम अमन चैन अमन पसंद आवाम है, वो नहीं कोई किसी तरह का फसाद में यकीन नहीं करते, फसाद नहीं चाहते, लेकिन जो मरकजी खासतौर से बीजेपी की हुकूमत, हालांकि कांग्रेस की हुकूमत भी कम नहीं थी, हमारे हक में नहीं थी, उन्होंने भी जो बुनियाद रखी मुसलमानों को परेशान करने की या दलितों को परेशान करने की, उसी बुनियाद के ऊपर ये बीजेपी ने नई इमारत खड़ी की है और हमको परेशान किया जा रहा है, ख़ासतौर से कश्मीर के लोगों को। ये यहाँ हमारा मकसद होगा कि हम जो मरकजी हुकूमत है उससे लड़कर, उसको उससे बात करके हम यहाँ ये डेमोक्रेसी को हम बाहर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी पार्लियामानी जो इंतखाबात के साथ साथ ये असेंबली इंतखाबात भी हों या उसके आसपास हो। ठीक है।